गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आप लोगों को विकलांग बच्चों की पहचान की तकनीक एवं रिकॉर्ड करने की प्रगति के विषय में बताएंगे। आप सभी को ये पता है कि विकलांग बालकों की पहचान उनसे बोलने पर हो सकती है, परंतु उनकी पहचान करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के तकनीकों की सहायता लेनी है। क्योंकि आप सभी को यह ज्ञात है कि विकलांगता मुख्यतः चार प्रकार की है। शारीरिक विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, संवेदी विकलांगता और संवेगिक विकलांगता। ये चार प्रकार की विकलांगताओं के विषय में हमने आपको बताया था। और संवेदी विकलांगता के अंतर्गत आता है बच्चों श्रवण विकलांगता, दृष्टि विकलांगता, वाक विकलांगता, जो इंद्रिय जनित को, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करता है, वह विकलांगता संवेदी विकलांगता के अंतर्गत आता है। तो संवेदी विकलांगता में श्रवण विकलांग बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आपको श्रवण विकलांग बालकों की पहचान के विषय में बता रहे हैं। तो श्रवण विकलांग बालकों की पहचान उनसे बोलने पर हो सकती है, परंतु उनकी पहचान श्रवण यंत्रों के द्वारा करना उचित होगा। इसी प्रकार अन्य श्रवण क्षतियुक्त बालकों की भी पहचान श्रवण यंत्रों तथा श्रवण मापक तथा अन्य तकनीकों से की जाती है। बच्चों, एक विद्यालय में श्रवण क्षतियुक्त बालक कई दिनों तक अध्यापकों की दृष्टि में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक बनावट से तो वह सामान्य है बालकों जैसे। जब तक अध्यापक को यह आभास तभी होगा जब तक वह बालक से अधिक अंतःक्रिया करेंगे, और जब तक वह बालक से अधिक अंतःक्रिया नहीं करेंगे तब तक उसकी पहचान संभव नहीं है। और विशेषकर उन स्थितियों में बच्चों पहचान संभव नहीं होती है जबकि कक्षा बड़ी होती है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। उस समय प्रत्येक बालक पे अध्यापक का ध्यान नहीं जा पाता है। ऐसी स्थिति में बालकों के प्रवेश के समय ही उनका परीक्षण करवा लेना उचित होता है, और माता पिता को भी बालकों के जन्म के कुछ महीनों पश्चात चिकित्सकों द्वारा अपने बालकों की श्रवण शक्ति की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। विद्यालय में प्रवेश दिलाते समय उन्हें अध्यापकों को अभिभावकों को
जब वो बच्चे का एडमिशन विद्यालय में कराते हैं तो बालक के विषय में अध्यापक को विशेष रूप से बताना चाहिए कि यह बालक श्रवण बाधित बालक है। उसकी श्रवण स्थिति से अवश्य अवगत करा देना चाहिए। इस प्रकार श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्नलिखित आधारों पर हम कर सकते हैं। पहला आता है विकासात्मक मापनी। श्रवण विकलांग बालकों की पहचान के लिए उनकी विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है। विकासात्मक मापनी के माध्यम से, डेवलपमेंट स्किल के माध्यम से, जैसे जैसे बालक का विकास होता है उनकी विकास अवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बालक के विकास की अवस्थाओं का सीधा संबंध उनकी ज्ञानेंद्रियों के विकास से होता है। वायलिन ने छोटे से बालकों के लिए एक मापनी विकसित की जिसके सहायता से ऐसे बालकों की आरंभिक अवस्था में निदान एवं उपचार संभव हो जा सकता था। नेक्स्ट आता है बच्चों मनोनाड़ी परीक्षण। पहला क्या था? विकासात्मक मापनी, जो विकास की अवस्थाओं के आधार पर था। दूसरा था मनोनाड़ी परीक्षण। ये दूसरे प्रकार की मापनी है। इसकी सहायता से श्रवण विकलांगता से संबंधित नाड़ी की क्रियाओं का आकलन किया जाता है। श्रवण विकलांगता से संबंधित नाड़ी की क्रियाओं का आकलन किया जाता है, उसके आधार पर बताया जाता है। इसका कारण मानसिक दोष होता है। अधिकांश श्रवण विकलांगों में इसी प्रकार का दोष पाया जाता है। एक योग्य चिकित्सक इसकी पहचान करके इसका उपचार कर देती है। नेक्स्ट आता है डॉक्टरी परीक्षण। इस प्रकार की मापनी के द्वारा श्रवण विकलांगों को की पहचान आसानी से हो जाती है। इस प्रकार के परीक्षण में डॉक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साधारणतः श्रवण विकलांगता बालक के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ इसके विकास को भी वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है बालक का एकल अध्ययन। ये विधि सबसे उत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें जन्म से लेकर वर्तमान स्थिति तक के सभी प्रकार के बालक संबंधी सूचनाओं को संकलित किया जाता है और इन सूचनाओं के अध्ययन द्वारा श्रवण विकलांगता के सही कारणों का बोध होता है। क्योंकि अभी तक जो मापनी हमने बताया बच्चों, विकासात्मक मापनी, मनोनाड़ी परीक्षण और डॉक्टरी परीक्षण, इन सब मापनियों से मात्र पहचान की जाती है और लेकिन बालक का एकल अध्ययन मापनी के माध्यम से उसके जन्म से लेकर वर्तमान तक के सभी प्रकार की बालक की सूचनाओं को संकलित किया जाता है और श्रवण विकलांगता के सही कारणों का पता लगाया जाता है। और इस एकल अध्ययन विधि से निदान भी होता है। इन सूचनाओं से स्वास्थ्य संबंधी इतिहास को विशेष महत्व दिया जाता है कि कब कब कि वह कब कब बीमार हुआ
और किन बीमारियों से पीड़ित रहता है तथा परिवार के इतिहास को भी शामिल किया जाता है, जिससे कि बच्चे के विकलांगता के मूल कारण तक पहुंचा जा सके। इस प्रकार से इस एकल बालक एकल अध्ययन के द्वारा भी स्वर्ण विकलांगता का पता किया जा सकता है। बालक का एकल अध्ययन करने के पश्चात बच्चों, नेक्स्ट आता है बालक के व्यवहार का निरीक्षण। यह निरीक्षण श्रवण विकलांग बालकों की पहचान के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। क्यों? क्योंकि बालकों के निरीक्षण से ही उसकी श्रवण विकलांगता का बोध होता है और इसके मुख्य इसके लिए उनके जो मुख्य व्यवहार हैं उन व्यवहारों के लक्षणों के आधार पर बालकों के व्यवहार के लक्षणों के आधार पर विकलांगता श्रवण विकलांगता के विषय में पहचान होती है। पहला, अपने सिर को वह एक तरफ मोड़कर बात सुनने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, वह अनुदेशनों का अनुसरण करने में समर्थ रहते हैं। कक्षा के अंतर्गत अक्सर शिक्षक से पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति करने को कहते हैं। ऐसे बालकों की दृष्टि बोलने वालों के होठों की तरफ अधिक रहती है और ऐसे बालक वाद विवाद के कार्यक्रम में हमेशा संकोच करते हैं। इसके साथ साथ वाणी की कठिनाई के कारण अपनी अभिव्यक्ति में ही अधीर हो जाते हैं। इस तरह के व्यवहार वाले बालकों इस तरह के व्यवहार जो भी बालक प्रकट करते हैं उनसे उनकी पहचान की जाती है। इसके साथ साथ श्रवण विकलांग बालकों की पहचान के कुछ लक्षण भी होते हैं। अगर हम मापनी के मदद से तो पहचान करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्नों की सहायता से भी श्रवण विकलांगता की पहचान हो जाती है। जैसे क्या बालक कक्षा में अनुदेशन की पुनरावृत्ति के लिए बार बार कहता है? उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है, क्या छात्र ध्यान न देने के कारण अधीर हो जाता है? क्या उस विद्यार्थी के कान में दोष दिखाई देता है? या क्या उस बालक के कान में कोई बीमारी या रोग जैसे कान का बहना इत्यादि होता है? या कभी भी या वह बालक कभी भी कान में दर्द की शिकायत करता है और बात को सुनने के लिए श्रवण विकलांग बालक अपने सिर को इधर उधर घुमाता है? या बालक अनुदेशन का अनुसरण क्या बालक अनुदेशन का अनुसरण कर पाता है? या क्या बालक का ध्यान बोलने वालों के होठों पर रहता है? ये तो प्रश्नों के माध्यम से लक्षणों का पहचान होता है। इसके साथ साथ कुछ संकेतों के माध्यम से भी श्रवण विकलांग बालकों की पहचान की जाती है। जैसे ऐसे बालकों के अक्सर कान में दर्द रहता है या कान का बहना, उनका कान हमेशा बहता रहता है, उनके गले में घाव रहना, अक्सर वो प्रश्न में क्या का प्रश्न पूछने उनको सुनाई देता तो पूछते मैडम फिर से बोलिए क्या बोल रही थी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ वाणी का दोष होता है, वो ठीक से ढंग से सुन नहीं पाते हैं इसलिए वह वाणी दोष से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालक अक्सर सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं और बोलने वालों के
होठों की गतिविधियों को देखते हैं। समझ में न आने पर ये चिड़चिड़े तथा अधीर होने लगते हैं। इस प्रकार की विकलांगता वाले बालकों का भाषा का सही विकास नहीं हो पाता है। इन सभी संकेतों के माध्यम से श्रवण विकलांगता की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट बच्चों, अभी हमने आपको दृष्टि विकलांग बालकों की पहचान के विषय में बताया। दूसरा आता है वाणी बाधित बालकों की पहचान। बेटा, आप सभी लोगों को यह पता है कि वाक मौखिक अभिव्यक्ति की आधारशिला है। यह एक मात्र साधन है जिस पर भाषा का संपूर्ण विकास निर्भर करता है। दृष्टि द्वारा देखे गए स्थलों, मनोभावों, घटनाओं, अनुभवों एवं प्रश्नों के उत्तर आदि में भाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। इसी भाषा का स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण रूप वाक शुद्धता पर निर्भर करता है। लेकिन वाणी बाधिता वाक बाधिता श्रेणी में वे बालक आते हैं जो नाक से बोलते हों, धीरे बोलते हों, कर्कश स्वर में बोलते हों, तुतलाते हों या हकलाते हों। तो वाणी बाधिता से तात्पर्य है भाषा और वाणी में समस्या का होना। ऐसे बालक सामान्य रूप से भाषा में बाधित होते हैं और इस प्रकार के बालक बोलते या लिखते समय शब्दों को तोड़ मरोड़ कर या कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़कर प्रयोग करते हैं। ऐसे बालक किसी भी वाक्य को रुक रुक कर बोलते हैं और दो या तीन शब्दों के बीच बोलने में बच्चों काफ़ी अंतराल लेते हैं। ऐसे बालकों की इस समस्या को सुधारना आवश्यक होता है। तो वाणी बाधित बालकों की पहचान वाणी बाधित बालकों की पहचान करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम कक्षा शिक्षण में अध्यापक का यह कर्तव्य है कि उच्चारण दोष व हकलाने वाले बच्चों को अलग करें और उनकी सही पहचान कर उनकी सही परामर्श चिकित्सा की व्यवस्था उनके लिए सही परामर्श एवं चिकित्सा की व्यवस्था करें। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में आवाज के दोष वाले बालकों को पहचान लें। जो बालक नाक से बोलते हैं उनकी पहचान करें। जो बालक नाक से बोलते हों या जिनकी आवाज़ में भारीपन हो या बहुत या जो बालक बहुत धीमी या तेज बोलते हों उनकी पहचान करनी चाहिए। इसके साथ साथ अंगीय बोलने के दोष के कारण की पहचान की जा सकती है, लेकिन इसकी व्यवस्था में गलत शब्दों को बोलने वाले में गिरावट आती है। नेक्स्ट आता है बच्चों, कम सुनने वाले बालकों व देर से बोलने वालों की समस्या भी सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण में आती है।
मूलतः ये बालक किसी भी कक्षा में पाए जाते हैं। ये बालक कम सुनने व देर से बोलने वाले होते हैं और कभी कभी इनमें उच्चारण दोष व हकलाना भी पाया जाता है। मूलतः ये बालक किसी भी कक्षा में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त भय, सदमा, क्रोध व शर्म के कारण भी कभी कभी बालक सामान्य से असामान्यता की स्थिति में आ जाता है और हकलाने या फिर शब्दों के संयोजन में गड़बड़ी या व्यवधान करने लगता है। इस कारण से डर से ये बच्चे हकलाने लगते हैं और अधिकतर आप ये देखेंगे कि जो इस तरह के बालक होते हैं वह समायोजन नहीं कर पाते हैं, इनमें समायोजन की कमी पाई जाती है। इसलिए इस तरह के बालकों को उनकी आवाज़ संबंधी दोषों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। बारी बालकों की पहचान के पश्चात बच्चों होता है भाषा बाधित बालकों की पहचान। आप सभी लोग को यह पता है बालक के विकास के साथ साथ उसके भाषा का भी विकास होता है और बालक का विकास मानसिक शक्तियों के विकास का के आधार पर बालक के भाषा का भी विकास होता है। मानसिक शक्तियों के विकास का प्रभाव ही बालक के भाषा विकास पर भी बहुत पड़ता है। एक बालक भाषा का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करता है। विद्यालय में जाने से लेकर सामूहिक जीवन व्यतीत करने, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के कारण बालक के शक्ति भंडार में अधिक वृद्धि होती है और इन सभी कार्यों तथा ज्ञानार्जन के लिए भाषा की योग्यता अत्यंत आवश्यक होती है। क्योंकि भाषा समाजीकरण का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। सामाजिक वातावरण का भाषा के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास सामाजिक अधिगम की एक प्रक्रिया है और समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषा का विशेष महत्व होता है। बच्चों, भाषा का विकास मानसिक विकास के साथ साथ होता है। जैसे जैसे बालक का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी अवस्थाओं में मानसिक विकास के साथ साथ उसके भाषा का भी विकास होता है और भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट एवं तर्कयुक्त तर्कसंगत भाषा द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है। और अगर यही भाषा अगर इसी भाषा में दोष आ जाए
तो आप कल्पना कीजिए भाषा बाधित बालकों का जीवन कितना कठिन होगा, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा विकास का माध्यम है, भाषा समाजीकरण का माध्यम है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। सुबह की दैनिक क्रिया से भाषा आरंभ होती है और रात के सोने तक भाषा का प्रयोग होता है, और इसी भाषा में अगर दोष आ जाए, उनको पहचानेंगे कैसे? भाषा बाधित बालकों की पहचान बच्चों बहुत ही सरलता से व्यवहार और साक्षात्कार द्वारा की जा सकती है। वैसे तो माता पिता विद्यालय में प्रवेश दिलाते समय अध्यापक को बालक की भाषा संबंधी कठिनाइयों से अवगत कराते हैं, फिर भी अध्यापक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह स्वयं ऐसे बालकों की पहचान करे। जब वह कक्षा में पठन पाठन का कार्य एवं शैक्षिक कार्यों के लिए जाएं, तो कक्षा में बालकों से प्रश्न पूछकर और साक्षात्कार लेकर उसकी भाषा बाधिता के प्रकार और स्थिति को फिर जान सकते हैं और समझ सकते हैं। वर्तमान समय में भाषा बाधिता के लिए परीक्षणों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु इन परीक्षणों के प्रयोग में बहुत सारी कठिनाइयां एवं समस्याएं आती हैं, जिसके कारण हर अभिभावक इस तरह के परीक्षणों को नहीं करवा पाता। तो बालक के पहचान के लिए सबसे पहले भाषा का ज्ञान न होने के कारण अब बालक से कक्षा में बालक से अध्यापक प्रश्न पूछता है, तो बालक को अगर भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो भाषा का ज्ञान न होने के कारण बालक जो है प्रश्नों का सही प्रकार से उत्तर नहीं दे सकता है, अतः उसकी भाषा संबंधी ज्ञान का सही आकलन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है, बालक भाषा ज्ञान के अभाव में निर्देशों को भलीभांति समझ नहीं पाता। जो कुछ भी कक्षा में अध्यापक ने पढ़ाया है, समझाया है, जो भी निर्देश दिया है, उन निर्देशों को वह बालक भाषा के अभाव के कारण भली प्रकार से पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं, जिससे इन बालकों की पहचान होती है। भाषा बाधित बालकों में परीक्षणों के उत्तरों को सही देने की प्रवृत्ति नहीं होती। जब एग्जामिनेशन प्रक्रिया होती है, परीक्षा होती है, उस समय भी भाषा बाधित बालक उल्टे सीधे प्रश्नों का उल्टे सीधे उत्तर देते हैं, उनके शब्दों का कोई अर्थ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो परीक्षणों के उत्तरों को सही देने की प्रवृत्ति उनके अंदर आती ही नहीं है, जिसके कारण भी उनकी भाषा बाधिता का पहचान होता है। इस प्रकार से भाषा विकलांग बालकों की पहचान निरीक्षण विधि के माध्यम से, साक्षात्कार विधि के माध्यम से और परीक्षण विधि के माध्यम, तीनों माध्यमों से करनी चाहिए, और पहचान करने के अंतर्गत बाधिता के प्रकार को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है, जिससे कि उनके उपचार में
सहायता मिले। नेक्स्ट आता है बच्चों दृष्टि बाधित बालकों की पहचान। आप सभी लोगों को ये हमने पिछली कक्षा में ही समझाया था कि दृष्टि बाधिता जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं वे बालक न तो दूसरों के साथ खेल पाते हैं न ही उनकी तरह पढ़ लिख ही पाते हैं। इतना ही नहीं उन्हें पढ़ाना लिखाना भी आसान नहीं होता है। ऐसे बालक प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। यह आश्रितता उनके जीवन को बच्चों अत्यंत कष्टकारक एवं नीरस बना देता है। उन्हें जीवन में जरा भी आनंद नहीं आता है, जरा सी भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन बल्कि वे जीते जी नरक के समान दुख भोगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे बालक बहुत शीघ्र ही अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। वे अपने जीवन को व्यर्थ एवं निरर्थक समझने लगते हैं। अतः बच्चों ऐसे बालकों को आपकी या किसी की भी दया की नहीं अपितु पूर्ण सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता होती है। अतः माता पिता तथा उनके दृष्टिहीन बालकों के माता पिता, संरक्षकों, शिक्षकों एवं समाज के लोगों का यह दायित्व होता है कि अंधे बालकों का पूरा ध्यान दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। दया की दृष्टि दिखाकर उन्हें बेकार साबित नहीं करना है, उनको भी स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बालकों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। औरों की अपेक्षा इन बालकों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। अंधे बालकों में जबरदस्त रचनात्मक शक्ति पाई जाती है। उन्हें गीत संगीत का ज्ञान देकर अच्छा से अच्छा संगीतकार भी बनाया जा सकता है, कलाकार भी बनाया जा सकता है। उन्हें पढ़ाने के लिए सभ्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न आदि का, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। उनकी जिस कार्य में रुचि हो उस कार्य में उनको परांगत एवं प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों की पहचान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए अंतराल परीक्षण किए जाते रहना आवश्यक है। इन बालकों को समुचित शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उनकी पहचान के बाद इनकी आवश्यकताओं को महत्व दिया जाए। पहचान के लिए स्नेलन चार्ट का उपयोग किया जाता है। यह सबसे सरल परीक्षण है। यह स्नेलन चार्ट परीक्षण प्रक्रिया सबसे सरल होती है और इस परीक्षण के माध्यम से दृष्टिबाधित की पहचान बहुत सरलता से की जाती है। शिक्षक द्वारा इस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इसे चाहें कि कुछ सीमाएं, इस चार्ट की कुछ सीमाएं भी हैं। यह अधिक व्यवहारिक नहीं है। दृष्टिबाधितों की पहचान उनके व्यवहारिक लक्षणों से भी की जा सकती है। जैसे बच्चों जो बालक जन्म से अंधे होते हैं उनकी पहचान माता पिता द्वारा ही कर ली जाती है।
जो आंशिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान, जो बच्चे जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उसकी इंद्रजनित ज्ञानेन्द्रियों का भी विकास होता है। अगर बच्चा आंशिक रूप से दृष्टिहीनता से आंशिक रूप से बाधित होते हैं तो उनकी पहचान पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ही हो जाती है, विद्यालय के कार्यों में, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ विषय सामग्री उसको बहुत कम दिखाई देता है, उसे पढ़ने लिखने में बाधा उत्पन्न होती है जिससे पहचान हो जाती है। प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से इनकी पहचान की जाती है। कुछ बालकों की आंखें सामान्य दिखाई देती है और चेहरा भी सामान्य दिखाई देता है, आंखें भी सामान्य दिखाई देती है और चेहरा भी सामान्य है और वह सामान्य प्रतीत भी होता है। इनकी पहचान अधिक समय में हो पाती है। एक शिक्षक सामान्य रूप से दृष्टि बाधित बालकों की पहचान कर लेता है। इसके लिए बच्चों शिक्षक एक व्यवहार सूची तैयार करता है और उसी व्यवहार सूची का उपयोग करता है। इस व्यवहार सूची को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने बनाया है और उसी के आधार पर टीचरों को उस सूची के आधार पर अध्यापक भी उसी सूची को फॉलो करता है, उसी सूची के अनुरूप में सूची बनाता है और उसका उपयोग करता है। यह ध्यान रखा जाए कि इनमें किसी एक व्यवहार से पहचान नहीं की जा सकती। किसी भी इस सूची के द्वारा किसी भी एक व्यवहार से हम किसी की दृष्टिहीनता का पहचान नहीं कर सकते हैं। एक से अधिक व्यवहार मिलने पर ही ऐसे बालकों के डॉक्टरी परीक्षण कराए जाएं। दृष्टि बाधित बालकों की पहचान के लिए भी प्रश्नावली बनाई जाती है और इसी प्रश्नावली के माध्यम से उन बालकों से बालकों के माता पिता से और अध्यापक स्वयं इसी प्रश्नावली का उपयोग करके दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कर लेता है। जैसे बालक का बार बार पलक झपकाना, क्या बच्चा बार बार पलक झपकाता है? नेक्स्ट, बालक सिर दर्द को, क्या बालक के सर में हमेशा दर्द होता है, अक्सर दर्द होता है और दर्द के बाद आंखें बालक बंद कर लेता है? क्या कभी बालक एक आंख को बंद करके सिर को ऊपर उठाता है? नेक्स्ट, क्या वह अक्सर आंखों को मलता रहता है? नेक्स्ट, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील रहता है? नेक्स्ट, आंखों की पलक का छोटा होना और आंख लाल रहना, इसके साथ साथ जब वह दूर की वस्तुओं को देखता है तब बालक के शरीर में तनाव का अनुभव होना। नेक्स्ट, आंखों से पानी बहना, आंखों का टेढ़ापन होना, तिरछापन होना या आंखों का भैंगा होना, इन सभी लक्षणों के द्वारा बालक की पहचान की जा सकती है। इसके साथ साथ पलकों पर खुजली व सूजन का होना, प्रकाश के प्रति अनावश्यक रूप से क्या वह संवेदनशील होता है, क्या उसकी सिर की अवस्था असामान्य रहती है, इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक को पास में रखकर ही पढ़ना पड़ता है। ऐसे बालकों के सामने समस्या जो आती है वो पुस्तकों को पास में रखकर ही पढ़ते हैं।
क्या ऐसे बालक सैंपट पर लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते हैं? पढ़ते समय वर्तनी व अक्षरों में उनको भ्रम रहता है। इस प्रकार इन्हीं लक्षणों के माध्यम से, व्यवहार के लक्षणों के माध्यम से इनकी पहचान की जाती है और पहचान के पश्चात ही इनको विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के माध्यम से इनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से दृष्टिहीन बालकों की पहचान इस प्रकार संभव हो पाता है। विकलांग बालकों की पहचान उनके लक्षणों के आधार पर, उनके कार्य करने के तरीकों के आधार पर, उनके भाव भंगिमाओं के आधार पर अध्यापक द्वारा किया जाता है। आज हमने आप लोगों को संवेदी विकलांग बालकों के पहचान के विषय में बताया। अगली कक्षा में हम आपको हैंडीकैप्ड एवं ऑर्थोपेडिक विकलांग बालकों की पहचान के विषय में एक अच्छा, अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में नया टॉपिक के साथ फिर चर्चा होगी। थैंक यू।